अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स। इसमें हम प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे। बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। इट इज क्वांटिफाइड एज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1 वेयर 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबिलिटी एंड 1 इंडिकेट्स सर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली किसी भी इवेंट के अकर होने के कितने परसेंट चांसेस होते हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसे आप 0 और 1 जैसे नंबर्स में क्वांटिफाई करते हैं, जहां 0 का मतलब होता है कि किसी इवेंट का 0% चांसेस अगर होने की, यानी बिल्कुल जो है इम्पॉसिबल है, और 1 इंडिकेट करता है कि कुछ चांसेस या कुछ सर्टेनिटी है इवेंट के अकर होने की। द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट द मोर सर्टेन वी आर दैट द इवेंट विल अकर। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जितनी हायर होगी उतना ज़्यादा जो है हम श्योर होंगे उस बारे में कि इवेंट जो है वो अकर होगा। दैट इज़ फॉर अ सर्टेन इवेंट ए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आल्सो कॉल्ड पी ऑफ ए विल बी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, किसी भी इवेंट ए के लिए नंबर ऑफ वेज इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी जो आपकी टोटल आउटकम्स आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लूडो का डाइज अगर रोल किया है तो उसकी पॉसिबल और टोटल आउटकम्स 6 हैं, यानी 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है, तो वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। और नंबर ऑफ वेज इवेंट क्या अकर, और एक उसमें नंबर कितनी चांसेस हैं उसके अकर होने के, या वो कितनी दफा अकर हो सकता है, वो नंबर ऑफ वेज इवेंट कैन अकर है। प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हम मैथमेटिकली तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते ही हैं, ऑब्वियसली मैथ्स में, स्टैट्स में, फाइनेंस में यूज़ करते हैं, इवन गैम्बलिंग में भी यूज़ करते हैं, साइंस में जैसे कि फिजिक्स में यूज़ होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होते हैं, मशीन लर्निंग में यूज़ होते हैं, कंप्यूटर साइंस में, और गेम थ्योरी और फिलोसफी, यहाँ सब इन सब फील्ड्स में हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी लाइक अदर थ्योरीज द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स इन फॉर्मल टर्म्स दैट इज इन टर्म्स दैट कैन बी कंसिडर्ड सेपरेटली फ्रॉम देयर मीनिंग। दूसरी थ्योरीज की तरह जिस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट को फॉर्मल टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये जो भी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें फॉर्मल टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर दें, और इन टर्म्स यानी कि ऐसी टर्म्स जिन्हें आप सेपरेटली उनके मीनिंग से हटकर उनका एक सेपरेट जो है वो अंडरस्टैंडिंग आप कर सकें। व्हेन डीलिंग विद एक्सपेरिमेंट्स दैट आर रैंडम एंड वेल डिफाइंड इन अ प्योरली थ्योरेटिकल सेटिंग प्रोबेबिलिटीज कैन बी न्यूमेरिकली डिस्क्राइब्ड बाय द नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स। यहाँ पर हमारे पास जब आप एक्सपेरिमेंट्स को डील करते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं आगे जाके हम डिटेल में पढ़ते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी टास्क का आपने जो भी इवेंट परफॉर्म करवाना है वो रैंडम अगर है और वेल डिफाइंड है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को टॉस किया तो कितने प्रोबेबिलिटी है या क्या चांसेस हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, कितने चांसेस हैं, तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जो मैंने रैंडमली जो है एक्सपेरिमेंट किया और मुझे नहीं पता आउटकम उसकी क्या होगी, तो वहाँ पर हम इसको नंबर्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, न्यूमेरिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे पीछे फॉर्मूला हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हाउएवर देयर आर टू मेजर कंपीटिंग कैटेगरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशंस हुज एडहेरेंस पोजेसेस डिफरेंट व्यूज अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब हम प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हैं तो दो मेजर जो कैटेगरीज आती हैं यहाँ पर, जो कि प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल नेचर को पोजेस करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिविस्ट असाइन नंबर्स टू डिस्क्राइब सम ऑब्जेक्टिव और फिजिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसमें हम कुछ जो भी इवेंट है, जो अफेयर्स हैं, उनका फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं नंबर्स की फॉर्म में। और सब्जेक्टिव असाइन नंबर्स पर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी दैट इज एज अ डिग्री ऑफ बिलीफ, यानी इसमें डिग्री ऑफ बिलीफ आता है कि कितना बिलीफ है हमें एक इवेंट के अकर होने पर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक्सपेरिमेंट इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लीड्स टू रिजल्ट्स ऑफ कॉल्ड आउटकम्स। यानी कोई भी आपने टास्क परफॉर्म किया है, जैसे सपोज डाइस रोल किया है या कॉइन को जो है आपने टॉस किया है, तो वो एक्सपेरिमेंट है और उसका जो रिजल्ट आपको मिलता है, जैसे कॉइन टॉस अगर किया आपने तो आपको हेड्स आया है, तो वो हेड्स जो है वो बेसिकली आउटकम है। आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एन इवेंट इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के एक या एक से ज़्यादा आउटकम्स को हम इवेंट बोलते हैं, यानी कि कॉइन टॉस करने में इवेंट जो है वो क्या कर हो सकते हैं, हेड्स और टेल्स, तो हेड्स और टेल्स इवेंट्स।
इफ टू इवेंट्स ए एंड बी अकर ऑन अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन और जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब दो इवेंट्स ए और बी हों और वो सिंगल एक ही एक्सपेरिमेंट के सिंगल परफॉर्मेंस में इकट्ठे अकर हो जाएं, ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम इंटरसेक्शन या जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और इसे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट किया जाता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ द फैक्ट दैट ए अकर्स डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरिंग। दो इवेंट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट तब होंगे जब एक इवेंट के अकर होने पर होने का दूसरे इवेंट के अकर होने पर कोई इफेक्ट ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लैंडिंग ऑन हेड्स आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ फाइव ऑन अ सिंगल सिक्स साइडेड डाई। आपने एक डाइज रोल किया और एक कॉइन, दोनों इकट्ठे रोल किए और कॉइन्स पर हेड आ जाता है और डाइस पर जो है वो फाइव आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो इन दोनों का एक दूसरे पर कोई जो है वो इफेक्ट नहीं है। चूजिंग अ मार्बल फ्रॉम अ जार एंड लैंडिंग ऑन हेड्स आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन, इसी तरह से ये दो इवेंट्स भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होंगे? इफ आइदर इवेंट ए और इवेंट बी अकर्स ऑन अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी एंड डिनोटेड एज पी ऑफ ए यूनियन बी। दो इवेंट के इवेंट अकर हुए और दोनों में से कोई दो इवेंट जो है अकर होने थे या ए या बी और दोनों में से जो है कोई एक जो है अकर हो गया और उसको हम उसका यूनियन बोलेंगे, पी ऑफ ए और बी या पी ऑफ ए यूनियन बी भी कहते हैं और पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चांस ऑफ रोलिंग अ वन और टू ऑन अ सिक्स साइडेड डाइस। एक डाइस है उसके वन और टू यानी वन या टू में से कोई एक इवेंट अकर होना है तो उसको हम पी ऑफ वन और टू लिखेंगे और पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू और इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लगा दें, वन ओवर सिक्स प्लस वन ओवर सिक्स इज इक्वल टू, यानी एक दफ़ा वन अकर होना है एक दफ़ा टू अकर होना है इसलिए वन बाय सिक्स है और सिक्स क्या टोटल डाइस के नंबर्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट ए गिवन द अकरेंस ऑफ सम अदर इवेंट बी। यानी एक इवेंट है ये ए और उससे जो है अकर हो रहा है इवेंट बी, कंडीशन यानी ए के अकर होने से दूसरा अकर हो रहा है, इज रिटन एज पी ऑफ ए बार बी एंड इज रीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसको फॉर्मूला पी ऑफ ए बार बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइड बाई पी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी की एग्जाम्पल देख लेते हैं। डाई इज बायस्ड so that the number 3 appears twice as often as each other number, what are the probabilities of all possible outcomes? ek die hai, us dice ko aap roll kar rahe hain, 3 appear ho raha hai twice yani do dafa aur jitni dafa aap use roll karte hain probability ki outcomes ki probabilities jo hai aapne batani hai, there are 6 possible outcomes, outcomes 6 ho sakti hain obviously kyunki us dice par 6 numbers hote hain to unko hum आउटकम्स को S1 से लेके S6 तक हम डिनोट कर देते हैं और हम कहते हैं कि उन सब के अकर होने की चांसेस इक्वल है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 6 के 6 नंबर्स इक्वल चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक अकर हो सकता है, इसलिए उन सबको जो है हमने इक्वल रखा है। और स्टेटमेंट के मुताबिक उसने कहा था कि नंबर 3 यानी S of 3 जो है वो दो दफ़ा अकर हो रहा है 2P S of 1 ईच अदर नंबर सिंस द प्रोबेबिलिटीज मस्ट एड अप टू 1 और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के उन्हें ऐड करेंगे इक्वल टू 1 आनी चाहिए और इस तरह से हमारे पास जो है पी ऑफ S1 इज इक्वल टू पी ऑफ S2 4 5 6 इनके चांसेस 1 ओवर 7 है और S3 के चांसेस 2 ओवर 7 है क्योंकि जो 3 है वो 2 टाइम्स अकर हो रहा है। और साथ यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि 3 2 टाइम्स अकर हो रहा है तो 6 प्लस 1 7। कंडीशन प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल, इफ वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर ऑफ टेल्स अपीयर्स इवेंट ई इफ द फर्स्ट टॉस इज अ टेल इवेंट एफ। इफ द फर्स्ट टॉस इज अ टेल द पॉसिबल सीक्वेंसेस आर, एक कॉइन को आपने 3 टाइम्स टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो टेल्स जो है वो ऑड नंबर्स में अकर होंगे, उसको इवेंट ई कह दिया और पहला टॉस अगर टेल है तो उसको इवेंट एफ कह दिया। तो उसकी बेस पर पहला टॉस अगर टेल हुआ तो पॉसिबल सीक्वेंसेस जो है वो हमारे पास कुछ यूँ होंगे, यानी टेल्स टेल्स एंड टेल्स 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 एंड हेड हेड टेल्स हेड टेल्स एंड टेल्स हेड हेड इन टू आउट ऑफ दीज 4 केसेस देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ टेल्स देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन दैट एफ अकर्स इज 0.5 सो वी कॉल दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
What is the probability of a random bit string of length 4 to contain at least two consecutive zeros given that its first bit is a zero? Event E हमारे पास bit string contains at least two consecutive zeros and event F है first bit of the string is a zero. ये हमें given था statement. We know that the formula conditional probability का formula हमें पता है P of E given by F is equal to P of E intersection F over P of F. तो उसके जो है हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया है, टू कंजेक्टिव जीरोस होंगे तो 4 टाइम 0 हो गया और इसी तरह से हमने बाकी कॉम्बिनेशंस बनाए. इंडिपेंडेंस की एग्जांपल, लेट अस रिटर्न द एग्जांपल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स. डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और नंबर ऑफ टेल्स डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ इवेंट एफ? यहां पे हम इंडिपेंडेंस को देखने के, वो जो हमने पीछे कॉइन टॉस करने वाली एग्जांपल देखी थी कि उसमें इवेंट ई के अकर होने का क्या इवेंट एफ पे कोई इफेक्ट है या नहीं, तो यहाँ पर ये जो है हमने प्रूफ किया.